हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 3rd of September 2020। तो 3 सितंबर 2020 का कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज दे कैन स्टिल जॉइन अस। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है क्योंकि अभी लगभग 47-48 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं ना उस सीरीज़ में, तो बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने रिवीजन के पर्पज़ से ज्वाइन करना है तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक दो दिन के अंदर अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यू कैन ज्वाइन स्टिल दैट। एंड उसमें आपका एक ओवरऑल करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा एंड बहुत सारी स्टैटिक के भी टॉपिक्स हमने अपने आप से ही वो वैसे एक रिवीजन की सीरीज़ थी प्रीलिम्स करंट अफेयर्स की, लेकिन उसमें हमने कई चीज़ें जो स्टैटिक की थी वो भी कवर करने की कोशिश की हैं। सो दोज़ हु हैव जॉइंड दे कैन टेस्टिफाई टू दैट। एंड अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहें तो यू कैन ज्वाइन दैट एंड वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, दैट माइट कम इन हैंडी अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। बेसिकली मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो कि यार मैंने तो पढ़ा नहीं है ज़्यादा, तो अगर उनको अटेम्प्ट देना है तो दे कैन चूज़ दैट। ओके, जिनको लगता है कि उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए बिल्कुल सीरीज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने अपने सेल्फ पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। बट जिनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं कि यार वेस्ट हो जाएगा अटेम्प्ट, कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन देना ज़रूरी है, so they can see that, okay? So the links are in the description comment section below. Now let's start with the questions first. पहला क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू रेनाती चोलास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं रेनाती चोलास को लेकर के। पहला है द रूल्ड ओवर द रेनाडू रीजन विच इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे केरला। सेकंड स्टेटमेंट इज दे वर द फर्स्ट टू यूज तेलुगु इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्क्रिप्शंस इंस्टेड ऑफ संस्कृत। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर टू जो है उसमें एक्सरसाइजेस दी हैं और कंट्रीज दी हैं, आपको बताना है करेक्टली कौन सा मैच्ड है। इंदिरा एक्सरसाइज में इंडिया रशिया, कावकाज इंडिया UAE, पासेक्स इंडिया एंड USA, तो आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड है। तीसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना। वैसे तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही पढ़ाए हुए आज के क्वेश्चन है। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ ट्राइलेटरल अप्रोच टू ट्रेड मूटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद इंडिया एंड जापान एज द की पार्टनर्स। दूसरा है द इनिशिएटिव एम्स टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू टर्न द इंडो पैसिफिक इनटू एन इकोनॉमिक पावर हाउस एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल नेशन। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे, जिनके आंसर आप करिएगा, मैं आंसर आपको एंड में बता भी दूंगा, ठीक है ना। Now let's move to the news analysis parts. Friend, the first news is regarding the question hour being dropped in Lok Sabha schedule of the monsoon session. So question hour has been dropped from the Lok Sabha schedule. जो schedule आया है monsoon session का Lok Sabha का, उसमें question hour को drop कर दिया गया है. So many people are terming it as highly undemocratic step, arbitrary step, and it is a member's privilege and the very life of the session. उनका ये कहना था कि it is जो question hour होता है that is the life of the session, क्योंकि उसमें आप जो वर्किंग गवर्नमेंट है उससे क्वेश्चनिंग करते हो। नाउ सपोज अगर आपके क्वेश्चन करने की पावर को छीन लिया जाए, व्हाट विल हैपन इफ द क्वेश्चनिंग पावर हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम यू। तो अगर आपने वर्ल्ड वॉर पढ़ा हो, वर्ल्ड वॉर टू का जब बिगिनिंग होता है, एंड अगर आपने हिटलर के बारे में पढ़ा हो, तो हिटलर अर्लियर इन 1923 ही अटेम्प्टेड अ कू, बट दैट अटेम्प्ट फेल्ड ऑफ हिटलर। देन ही वॉज सेंटेंस्ड टू 9 months इन प्रिजन। उसके बाद वो आता है वापस पॉलिटिक्स में, एंड देन ही ट्राइज टू ग्रैब द पावर थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। एंड उसके बाद 1932 में इलेक्शंस होते हैं, तो नाजी पार्टी रहती है, जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी रहती है, एक्सट्रीम राइट विंग नेशनलिस्ट पार्टी रहती है, वो हाइएस्ट अप्रूवल आती है, सबसे अधिक मेजोरिटी आती है। बट हिटलर डिनाइज ज्वाइनिंग एनी कोलिएशन, वो किसी कोलिएशन को ज्वाइन करने से मना करता है। प्रेसिडेंट उस समय थे हिंडनबर्ग, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने इनको चांसलर बना देते हैं हिटलर को। एंड देन व्हाट ही डज इज दैट कि जब वहां पर राइटिंग शुरू होती है, तो व्हाट ही डज इज दैट ही बैन्स ऑल द अदर डेमोक्रेटिक पार्टीज, जितनी दूसरी पार्टीज रहती उनको बैन कर देता है। एंड 1934 में जब हिंडनबर्ग की डेथ होती है, देन हिटलर डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट और द फ्यूहरर, है ना। तो ये पूरा इस तरीके से बिल्कुल हिस्ट्री के इवेंट्स आपके दिमाग में इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने कहीं नहीं देख के बताया, कोई नोट्स नहीं खोली हुई है, कुछ नहीं खोला हुआ, लेकिन आपको इसी तरीके से पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। आपको इतना ज़्यादा अंदर आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपको उनका फ्लो पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसी हुई।
है ना, आपको ये नहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि विद शॉक एंड ऑक की तरह नहीं देखना चाहिए कि यार सर को कैसे याद है इतना सब कुछ, सर को आपको भी इतना ही याद होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ मुझे याद है, आपको भी इतना ही याद होना चाहिए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि उसने सबसे पहला काम यही किया था कि बाकी की पार्टीज को बैन किया था, सो दैट द क्वेश्चनिंग पावर ऑफ द पार्टीज इज रिड्यूस, है ना, सो दैट दे शुड नॉट क्वेश्चन द स्टेप्स टेकन बाय द हिटलर आफ्टर दैट, जो उसके बाद उसने स्टेप्स लिए उसके कोई क्वेश्चन ना कर सके और कोई उसका अपोज ना कर सके, ठीक है ना। तो बेसिकली दिस वॉज द होल सिनेरियो दैट टाइम। तो अब बेसिकली इसी चीज को ऑथर, इसी चीज को यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि दिस हैज बीन सेड दैट कि जो क्वेश्चन आर को रिमूव करना, दैट वॉज हाईली अनडेमोक्रेटिक, दैट वॉज हाईली आर्बिट्ररी एंड इट गिव्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्पॉटिक पावर टू द रूलिंग गवर्नमेंट, वो डिस्पॉटिक पावर देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आर के बारे में थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। सो द फर्स्ट आर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज टर्म्ड एज क्वेश्चन आर, किसी भी पार्लियामेंट सिटिंग का पहला जो आर होता है वो क्वेश्चन आर कहलाता है। इट इज मेंशनड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस, अगर आपसे पूछे क्या ये कहीं मेंशनड है तो हाँ भैया बिल्कुल मेंशनड है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस में मेंशनड है, ठीक है ना। अब ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस एंड उनके आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, पहला होता है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन मतलब दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्ट्रिक, उसमें एक एस्ट्रिक लगा रहता है, स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। एंड इट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, ओके। ओरल आंसर्स उसमें होते हैं, इस कारण से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। नाउ द लिस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस इज प्रिंटेड इन ग्रीन कलर, जो ये स्टार्ड क्वेश्चंस है दे आर प्रिंटेड इन ग्रीन कलर। अनस्टार्ड क्वेश्चंस जो होते हैं दे रिक्वायर अ रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड, ओके। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो सिंपल सी बात है, अगर रिटन आंसर की जरूरत पड़ेगी तो उस पर फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते ना, उसमें रिटन आंसर चला गया। जो ओरल क्वेश्चन था, ओरल आंसर था, उसमें आपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा। तो अनस्टार्ट क्वेश्चंस में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये जो रहते हैं वाइट कलर में पेंटेड रहते हैं। देन तीसरे होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, दीज आर द मैटर्स ऑफ अटर पब्लिक इंपॉर्टेंस, दिस आर मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड आर ऑफ अर्जेंट कैरेक्टर, इसलिए इनको पूछा जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। एंड दे आर आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days, 10 दिन से कम की नोटिस में ये जाते हैं। इट इज ऑल्सो आंसर्ड ओरली, इसे भी ओरली आंसर करते हैं एंड इट इज प्रिंटेड इन लाइट पिंक कलर, इसको लाइट पिंक कलर में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन आर के बारे में और उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, मैंने आपको स्टैटिक से बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। गवर्नमेंट बैंस पबजी, वीचैट वर्क एंड 116 अदर मोबाइल ऐप्स, मतलब टोटल 118 मोबाइल ऐप्स हैं जिन्होंने ऐप बैंड 2.0, उसको बोला जा रहा है ऐप बैंड 2.0। सबसे पहला जो ऐप बैंड था उसमें 59 ऐप्स वर बैंड एंड नाउ 118 ऐप्स आर बैंड अगेन, जिसमें कि आपका गवर्नमेंट ने पबजी को, वीचैट वर्क को, 116 और ऐप जैसे VPN फॉर टिकटॉक, बाइडू, अलीपे, कैम, OCR, ऐप लॉक, गैलरी वॉल्ट, हाइड पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें इनको बैन किया है, साइबर हंटर्स, माफिया सिटी। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि गवर्नमेंट के पास क्या पावर है इसको बैन करने की, तो बिल्कुल पावर है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत अपनी पावर्स को इन्वोक करती है अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। 69A जो है IT एक्ट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसमें ये बेसिकली प्रोविजंस हैं जिनके अंतर्गत ये ऐप्स को बैन करना, ये सारी पावर उनके पास है, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 भी हैं, 2009 के प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। इन सब में बेसिकली ये व्यू था कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमारे यहाँ की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी के पास पहुँचा रही, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कई ऐसे ऐप्स थे, मिनिस्ट्री ने यह बताया कि कई ऐसे ऐप थे जो कि इंडियंस का जो डेटा था उसको कई अनऑथराइज लोकेशन में, इंडिया के बाहर की जो लोकेशंस थी वहां पे भेजा जा रहा था। तो ये जो डेटा का थेफ्ट था एक तरीके से, और ये डेटा का जो एक तरीके से जो प्राइवेसी थी वो भंग की जा रही थी, एंड ये सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एप्स का बैन किया है। एंड इट्स अ गुड मूव, आई थिंक इट्स अ गुड मूव टू बैन स्पेशली पबजी। ये बहुत सारे लोग जो आज का यूथ है वो अपना समय इसमें ख़राब कर रहे हैं, तो उनको जॉब भी नहीं चाहिए, उनको जॉब नहीं मांग रहे, वो दे आर आस्किंग फॉर दिस बैन टू बी रिमूव, है ना। सो दैट इज़ नॉट द थिंग टू आस्क फॉर। आगे मूव करते हैं, यहाँ कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी। इंडिया चाइना टॉक्स एट चुसुल रिमेंस इनकॉन्क्लूसिव, तो जो बातचीत चल रही है चुसुल वाले रीजन में वो बातचीत पूरी हुई नहीं है, है ना। इस न्यूज़ आइटम में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे
कि एन आर्मी सोर्स कन्फर्म दैट अ सोल्जर फ्रॉम द सीक्रेटिव स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, सीक्रेटिव स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, याद रखिएगा जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है उसको हम विकास बटालियन भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज द विकास बटालियन, ये याद रखना, ये चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। जिन लोगों ने पोर्टल ज्वाइन किया है उनको बता देता हूँ कि कल या परसों का अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा हो उसमें देखना स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या विकास बटालियन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमने पूरा डिस्कस किया है कि क्या है क्या नहीं है ना, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, विकास बटालियन के बारे में पढ़ लेना, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में पढ़ लेना, सो दिस कैन बी अ थिंग, है ना। मैं कोशिश करूँगा वैसे कि आपको वीडियो में कल बता दूँ, बट अभी इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही जैसे दे दी है ना, तो आप इसको पढ़ लिया करो, है ना, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बोलता हूँ कि बकवास में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बता दूँ कि यार ये पढ़ लेना, अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको पढ़ लेना। स्टेट टू डिक्लेयर 600 एकर्स ऑफ आरे एज रिजर्व फॉरेस्ट, अब ये महाराष्ट्र के रीजन में आता है, आरे जो है ये आरे लैंड है एंड इट कम्स नियर द संजय गांधी नेशनल पार्क, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेगा कि संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, है ना, एंड आई थिंक ये बोरीवली के पास है, बोरीवली अगर आपको पता हो तो बोरीवली वाले रीजन के पास है संजय गांधी नेशनल पार्क, और दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एन एक्सटेंसिव फॉरेस्ट ब्लॉसमिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ द मेट्रोपोलिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो मेट्रोपोलिस के अंतर्गत ये फॉरेस्ट ब्लॉसमिंग ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, तो 600 एकर का आरे लैंड है विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फॉरेस्ट, है ना। अब ये कैसे डिक्लेयर किया गया, तो सेक्शन 4 है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, देर इज अ सेक्शन 4 ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड उस सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत इसको रिजर्व फॉरेस्ट के कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो दिस हैज बीन अनदर न्यूज़ जो कि आपको बताना जरूरी थी। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं, अ गाइड टू फ्लैटरिंग द कर्व ऑफ इकोनॉमिक केओस, अब यहाँ पे इकोनॉमिक केओस के जो हुआ है बिकॉज ऑफ द COVID-19, उसके बाद जो लॉकडाउन हुआ, ये सारी चीज़ों को उसके कर्व को किस तरीके से फ्लैटन किया जाए, ऑथर ने इसमें जैसे जयति घोष ने आर्टिकल लिखा है, आई थिंक शी फ्रॉम द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहली चीज़ ऑथर ने बताया कि क्या चीज़ें हुई हैं, तो हमारा जो GDP है वो 24% तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नियरली 24% डिक्लाइन हुआ है। The actual decline is probably worse as per the author. Physical indicators such as the index of industrial production है कि IIP जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें decline हुआ है by more than 20%, ठीक है ना। फिर many MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम enterprises in manufacturing and services are still closed or functioning at a very small fraction of their capacity. Then wage incomes are falling more sharply than GDP, है ना, वेज इनकम और ज़्यादा कम होती जा रही है, ठीक है ना, employment घटता जा रहा है। There is other bad news in the GDP data that every sector other than agriculture has declined sharply. अब एग्रीकल्चर इतना शार्प क्यों नहीं डिक्लाइन किया, क्योंकि रवि की जो हार्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी, जब रवि हार्वेस्ट थी वो अच्छी हुई थी, बट लेकिन इस दिक्कत यह कि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आई डोंट थिंक कि फार्मर्स को उनका ट्रू जो रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए वो मिल पाएगा। सो ऑथर ने भी वही चीज़ बोली कि जो ट्रू रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। नाउ द गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज़ इंक्रीज्ड बाय अबाउट 16% ओवर द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर, बट सिंस टोटल इन्वेस्टमेंट फेल ड्रास्टिकली इट इज़ लाइकली दैट पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फेल, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा गिरा है, ये चीज़ ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे की बात करें, द ब्रूटल नेशनल लॉकडाउन, ऑथर ने जो लॉकडाउन था उसको ब्रूटल नेशनल लॉकडाउन कहा है, इट हैज जनरेटेड इकोनॉमिक कोलैप्स इवन बिफोर द डिसीज हैज स्प्रेड मच, डिसीज के होने से पहले ही, स्प्रेड होने से पहले ही काफी ज्यादा लॉकडाउन कर दिया था और उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिल रहा होगा। इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग, जो ये स्टेप होते हैं टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग, ये स्टेप्स होते हैं COVID-19 से लड़ने के, टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग, तो ये कॉस्टली स्टेप्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, उन्होंने कहा क्या किया डील करने के लिए, आप लॉकडाउन कर दो। द ओनली वे थ्रू विच द गवर्नमेंट वॉज डीलिंग विद द COVID-19 इनिशियली वॉज लॉकडाउन, दे वर नॉट इवन टेस्टिंग द केसेस, इसीलिए शुरुआत में 110 केस आ रहे थे, लेकिन आज की हालत देखो ऐसी है कि 70,000 केस, 80,000 केस, मतलब जो एक्सपेंशन रेट है वो हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड का, अब इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं इस समय, एंड वहीं पे इकोनॉमी सबसे अधिक कॉन्ट्रैक्ट भी हमारी हो गई, तो फिर मतलब क्या निकला इतने लॉकडाउन का, इन सारी चीज़ों का, ठीक है ना। देन इसने क्या किया कि कोई कंपनसेशन नहीं, नो सोशल प्रोटेक्शन टू द माइग्रेंट्स जो गए, इतने लोग वहाँ से बेचारे भागते हुए आए लॉकडाउन के कारण, ये सारी चीज़ें भी झेलने को मिली, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो सारे परेशान हो गए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि आपने
फिर स्टेट्स के ऊपर सबसे अधिक गाज गिरी। स्टेट्स के ऊपर क्यों गाज गिरी? क्योंकि आपने जीएसटी लाया, जीएसटी के बाद एक तो उनके टैक्स लेने की पावर को छीन लिया, दूसरा जब टैक्स कंपनसेशन की बारी आई तब देन यू सेड दैट इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, देयरफॉर वी आर नॉट लायबल टू गिव यू एनीथिंग, है ना। ये सारी चीजें भी हुई। तो यहां पर ये सारी चीजें देखते हुए ऑथर का ये कहना है कि द लॉकडाउन हैज नॉट बीन अ वेरी गुड स्टेप, वेरी वेरी फ्रूटफुल स्टेप। इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉकडाउन फ्रॉम द स्टार्ट, यू शुड हैव टेकन द स्टेप्स लाइक टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में कर देनी चाहिए थी। लेकिन आपने स्टार्टिंग में क्या बोला कि आपने लॉकडाउन किया और रजाई ओढ़ के लेट गए, है ना। सो दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, ठीक है ना। ऑथर ने और चीज़ बोली जैसे कि ओवरऑल जो बैंक्स की क्रेडिट है डेट हैज डिक्लाइंड, बैंक क्रेडिट डिक्लाइन हो गई है। ऑल टाइप ऑफ बोरोवर्स हैव रिसीव्ड लेस देन वॉट दे शुड हैव रिसीव्ड, ठीक है ना। देन स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई दी है, दे हैव नॉट बीन गिवन एंड दे हैव बीन फोर्स्ड टू डील विद दिस क्राइसिस बाय टेकिंग लोन्स एंड ऑल। उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोन ले लो भाई, आप लोन ले लो, आपको जो करना है करो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था, ठीक है ना। सो दिस इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैज गेन्ड सो मच मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, जो कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना। ऑथर ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली प्रोवाइड अ लार्ज फिजिकल पैकेज। सिंपल सी बात है, अगर आपको डील करना है इससे, इस क्राइसिस से, तो यू शुड जस्ट इमीडिएटली प्रोवाइड अ लार्ज फिजिकल पैकेज एंड दैट शुड बी मेड अवेलेबल टू एवरीवन। That should not be an empty promise. You should just provide that. ये नहीं कि हम एक साल बाद देंगे 10 लाख करोड़, आप तुरंत दो, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आपको पैंडेमिक उस इफेक्ट से जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा है उसको सुधारने की जरूरत है। You should provide free food grain at least 10 kg per household per month for at least next 6 month। दूसरा स्टेप, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, अनऑर्गनाइज तबका है, BPL तबका है, उसको बेनिफिट हो सके। देन यू शुड एटलीस्ट प्रोवाइड ₹7,000 पर फैमिली फॉर 3 months एज कंपनसेशन फॉर द इनकम्स लॉस्ट ड्यूरिंग द ड्रेकोनियन लॉकडाउन। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होंगे, एटलीस्ट उनको आप ₹7,000 पर फैमिली पर मंथ आप प्रोवाइड कर दो, ताकि जो उनकी इनकम लॉस्ट हुई है उससे थोड़ा ऊपर बाहर निकल सके, ठीक है ना। देन मनरेगा के जो नंबर ऑफ डेज हैं दे शुड बी इंक्रीज टू 200 पर ईयर, मतलब डबल करने की बात की जा रही है कि जो मनरेगा के दिन थे 100 थे उनको डबल करके 200 कर दिया जाए। देन डेट मोराटोरियम जो था उसको एक्सटेंड किया जाए एंड कन्वर्ट स्टैंड स्टिल एंड मेक श्योर दैट फ्रेश क्रेडिट रीचेस MSME एंड फार्मर्स हु आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ इट। तो आपको लोन मोराटोरियम को एक्सटेंड करना चाहिए, और जो MSME सेक्टर है या एग्रीकल्चर सेक्टर है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उनको थोड़ा पैसा, अगर क्रेडिट की जरूरत है तो वो उनको जरूर मिले, क्रेडिट उनको जरूर मिले, यू शुड मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है ना। देन आपकी गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है हेल्थ सेक्टर में वो बढ़ाने की जरूरत है, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में। जो चीज़ें इग्नोर हुई हैं, जो चीज़ें पोस्टपोन हुई हैं, उन चीज़ों को आप इग्नोर करने का समय नहीं रहा है, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स विल कॉस्ट मनी फॉर श्योर, बट ऑथर का ये कहना है कि अगर ये चीज़ें नहीं करते हैं तो जो लॉस होगा दैट विल बी ऑफ अ मच ग्रेवर इम्पैक्ट, वो और ज़्यादा ग्रेव होगा, और ज़्यादा खतरनाक होगा। एंड देयर फोर दीज थिंग्स हैव टू बी लुकड आउट फॉर नाउ, भले इसमें कितना ही पैसा क्यों लगे। सो दिस वॉज द आर्टिकल 1, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, आई ट्राई टू टेल यू इन डिटेल रिगार्डिंग दिस। विक्ट्री इन अ लॉन्ग बैटल फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, अब ये आर्टिकल लिखा है जैस्मीन कौर ने, सी वॉज फ्रॉम द एयर फोर्सेज एंड अ वेरी फेमस केस, आई रेड अबाउट दैट केस ऑफ द परमानेंट कमीशन, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, आई रेड अबाउट दिस केस द डिटेल्स इन दैट। बट इसमें आपको चीज होता है, इंडियन आर्म फोर्स बिगैन इंडक्टिंग वुमेन इन द नॉन मेडिकल ब्रांचेज इन द ईयर 1992। नॉन मेडिकल ब्रांचेज में इंडियन आर्म फोर्स ने लेना शुरू किया था 1992 से, लेकिन पहले जो लिया जाता था वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेसिस पे लिया जाता था। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब कि इनिशियली पहले 5 साल के लिए सर्विस दी गई थी वुमेन को, उसके बाद उसको रिवाइज करके 14 ईयर्स कर दी गई थी, ठीक है ना। परमानेंट कमीशन का मतलब क्या होता है कि आपका रिटायरमेंट ही फिर वहां से होता है, मतलब फाइनल आप जितना मेल सर्विस कर रहे हैं उतना आप भी कर रहे हो। अब पहले क्या होता था, जैसे 5 साल सर्विस कर ली या 14 साल सर्विस कर ली, अब 14 साल के बाद वो महिला करेगी क्या, वो किसी और जॉब की तलाश करे, है ना, बिल्कुल सी बात है। तो अब क्या है, अब वो बिल्कुल दे आर ऑन शोल्डर टू शोल्डर विद द मेल काउंटर पार्ट्स, और वो बिल्कुल जो नॉन कॉम्पिटेंट फोर्सेज हैं और दूसरी जो फोर्सेज हैं, केवल मेडिकल नहीं, जो दूसरी फोर्सेज हैं, दूसरे कमांड पोजीशंस हैं, वहाँ पे भी वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज रखती हैं नाउ विद दैट ऑफ द मेल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। अब इसमें ऑथर ने कोई केसेस बताया कि एयरफोर्स में जो केस था, जैसे यहाँ पे केस लिखा भी है, जसमीन कौर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया WPC केस था ये जसमीन कौर वाला, एंड इन
2010 case, the adjudication was in favor of granting the permanent commission to women officers, and Indian Air Force was the first among the three services to grant the permanent commission to the short service commission women officers. So short service commission women officers the unko permanent commission dene wala जो सबसे पहला फोर्स था वो आपका एयर फोर्स ही था। तो ये मैंने आपको थोड़ा उसके बारे में बता दिया, ठीक है ना। क्या बेनिफिट होगा इसका, तो विद ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन द वुमेन ऑफिसर्स विल नाउ बी इंटाइटल्ड टू सर्विंग टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट एंड नॉट विल बी फोर्स्ड टू टेक अल्टरनेटिव कैरियर्स आफ्टर 14 ईयर्स। तो रिटायरमेंट तक वो काम कर सकते हैं, ये नहीं कि 14 साल बाद उनको दूसरी जॉब ढूंढनी है। दिस विल प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन देयर कैरियर पाथ। अब उनको क्लैरिटी तो रही कैरियर पाथ को लेकर के कम से कम, है ना। एंड दिस विल पुट देम ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द मेल और मेन फॉर प्रमोशंस, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू देम। जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा, है ना, ये सारी चीज़। डिस्पाइट फॉर्मिंग अ रिलेटिवली मिनिस्कल 3.29% ऑफ द टोटल आर्मी स्ट्रेंथ, आर्मी का केवल 3.29% वुमेन है, लेकिन दे हैव टेकन ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू देम शोल्डर टू शोल्डर विद द मेल ऑफिसर्स। उन्होंने बिल्कुल मेल ऑफिसर्स के कंधे से कंधा मिला करके अपनी ड्यूटीज को निभाया है। एयरफोर्स में जो महिलाओं का रेशियो है नियरली 13%, दैट इज नियरली 13%, तो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोला है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो कल मैंने आपको गोपाल कृष्ण कमेटी के बारे में बताया था, जिन्होंने नॉन पर्सनल डेटा के बारे में बात की थी। अब नॉन पर्सनल डेटा मतलब जिससे आप किसी इंडिविजुअल के बारे में ना जाने, मतलब जिससे आप किसी इंडिविजुअल के बारे में ना जान पाए, या किस कौन से इंडिविजुअल की बात चल रही है ये सब आपको ना पता रहे, बट नॉन पर्सनल डेटा के ऊपर गोपाल कृष्ण कमेटी, ये नाम जरूर याद रखना यार, ये पूछ सकता है गोपाल कृष्णन कमेटी, गोपाल कृष्णन कमेटी किससे रिलेटेड है। तो ये जो गोपाल कृष्णन कमेटी थी, इसने बेसिकली डील किया है प्राइवेट जो ओनरशिप ऑफ डेटा, प्राइवेट कंपनीज जो डेटा ओन करते हैं। देखो क्या होता है, जो नॉन पर्सनल डेटा है उसका यूज आप बहुत ज्यादा तरीके से कर सकते हो, उसका यूज आप कम्युनिटी के लिए भी कर सकते हो। कल मैंने आपको कम्युनिटी डेटा बोला था कि इसको गोपाल कृष्ण कमेटी कम्युनिटी डेटा बोलते हैं, मतलब जो कि कम्युनिटी के यूज में आ सके। ऑथर ने यह बोला है कि लेकिन अब क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जब ये डेटा रहता है तो वो भी, उसके लिए भी रेगुलेशंस होने चाहिए थे, गोपाल कृष्ण कमेटी को उसकी बात भी करनी चाहिए थी, बट दे हैव लेफ्ट एन एंटायर स्कोप ऑफ दैट। उन्होंने पूरा स्कोप ही एक तरीके से छोड़ दिया, उन्होंने केवल और केवल प्राइवेट डेटा और इन सब चीज़ों की बात ज़्यादा की है, ना कि इसकी बात की, ठीक है ना। तो वही चीज़ें ऑथर ने यहाँ पर बोली है। एंड देर आर फाइव रीजन्स वाई दीज शुड बी ओपन टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। क्यों नॉन पर्सनल डेटा ओपन टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होना चाहिए, इसके पांच रीजन ऑथर ने दिए हैं। पहला, द स्टेट शुड बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इन्फॉर्मेशन दैट इट हैज। पहली चीज़ थी कि स्टेट को भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन स्टेट के पास है। दूसरी चीज़, दिस विल इम्प्रूव द अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई RTI एक्ट जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात करता है। दूसरा, सेकेंड ये है, इफ टैक्स पेयर्स मनी आर फंडेड एनी ऑफ द डेटा सेट देन इट इज़ एन ऑब्लीगेशन ऑफ द स्टेट टू रिटर्न द फ्रूट्स ऑफ द फंडिंग ऑफ द टैक्स पेयर। तो अगर टैक्स पेयर की मनी लग रही है डेटा सेट को बनाने के लिए, तो फिर उसका फायदा भी टैक्स पेयर को मिलना चाहिए। थर्ड, बाय परमिटिंग द रीयूज ऑफ द गवर्नमेंट डेटा सेट वी अवॉइड द नीड फॉर डुप्लीकेशन। अगर हम गवर्नमेंट डेटा सेट्स का यूज़ कर लें तो हम डुप्लीकेशन से बच सकते हैं, ठीक है ना, मतलब दोबारा वो डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्थ, गवर्नमेंट डेटा सेट्स क्यूरेटेड अकॉर्डिंग टू पब्लिक वेरीफाइड स्टैंडर्ड्स कैन लीड टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन डेटा क्वालिटी एंड इंक्रीज यूज। अगर आप गवर्नमेंट डेटा सेट का यूज़ करते हो तो उससे कॉन्फिडेंस भी लोगों का ज़्यादा बढ़ता है। फाइनली फिफ्थ जो है, फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर होगा तो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए ऑथर ने कहा कि जो गवर्नमेंट डेटा सेट्स हैं उनको भी रिलीज करना जरूरी है, उनका इम्पैक्ट, उसका यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारी बातें इसमें की गई थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। UNSC blocks Pak bid to name Indians in terror list. तो पाक ने क्या कि 1267 जो कमिटी है फॉर द काउंटर टेररिज्म सेंक्शन, जो 1267 कमिटी है UNSC की, वो काउंटर टेररिज्म सेंक्शन की कमिटी है, उसमें कुछ इंडियंस के नाम पाकिस्तान ने सजेस्ट किए थे, अंगारा अप्पा जी हो गए, गोविंदा पटनायक हो गया, तो इनके नाम को ऐड करने के लिए बोला गया था, लेकिन UNSC ने ये बिड को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है ना। थ्री मोर ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लिए यूनियन कैबिनेट ने एक बिल प्रपोज किया है, अप्रूव किया है बेसिकली, जिसमें कि कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा। कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले केवल इंग्लिश और उर्दू थी ऑफिशियल लैंग्वेज, बट नाउ हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। मिशन कर्मयोगी, नाउ एक नया मिशन है, इंपॉर्टेंट है, मिशन कर्मयोगी टू ट्रेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। नाउ ये जो है ये फ्यूचर रेडी सिविल सर्विसेज के लिए ये प्रोग्राम है, मिशन कर्मयोगी।
तो मिशन कर्मियों की बेसिकली अ नेशन कैपेसिटी बिल्डिंग, अ न्यू नेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्वेंट्स. क्या है? इट्स अ न्यू नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन प्रोग्राम फॉर द सिविल सर्वेंट्स. एंड दिस स्कीम विल कवर नियरली 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. कितने लोग? लगभग 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एट ऑल द लेवल्स एंड विल इन्वॉल्व एन आउटले ऑफ नियरली 510 करोड़ फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. ओके, 5 ईयर पीरियड के लिए रहेगा ये. और इसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन जो सिविल सर्वेंट से चार्ज किया जाएगा 431 रुपीज़ रहेगा. मिशन कर्मयोगी न्यू नेशनल मिशन नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन प्रोग्राम. ठीक है ना, परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन प्रोग्राम है, याद रखिएगा इसके बारे में. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ये एक और चीज़ है कि पहले रूल बेस्ड ऑर्डर था, अब रोल बेस्ड होगा. मतलब कि इस प्रोग्राम के थ्रू आपका प्रॉपर रोल पहचाना जाएगा कि कहाँ पे आपको रख सकते हैं, इसके बाद आपको काम मिलेगा. मुंद्रा टर्मिनल डील अंडर स्कैनर. अब क्या हुआ है? देयर हैज बीन अ प्रपोजल टू ट्रांसफर द पार्शियल ओनरशिप ऑफ अ टर्मिनल एट इंडियाज बिजिएस्ट मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात. मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में है. इसकी पार्शियल ओनरशिप जो है एक चाइनीज कंपनी के पास जा रही थी, तो अब वो स्कैनर के अंदर आ गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के. क्या है बेसिकली? ये अदानी ग्रुप और एक फ्रेंच ज्वाइंट वेंचर पार्टनर है सीएमए टर्मिनल्स का. ठीक है ना, अब सीएमए टर्मिनल्स और चाइनीज मर्चेंट ग्रुप के बीच में, चाइनीज मर्चेंट ग्रुप के बीच में जो कि चाइनीज स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज है, उसमें बेसिकली कुछ ये ट्रांसफर कर रहे थे इसकी ओनरशिप को और ज़्यादा. बट अब क्या है कि जो अदानी हमसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि भैया हमने अपने शेयर को तो नहीं किया. अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द सीएमए टर्मिनल जो फ्रेंच है, दिस ईयर द कंपनी दैट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड. ओके, That is a joint venture partner of Adani Ports. तो ये जो CMA terminal है वो joint venture partner है. वो क्या बोल रहा है कि developing, operating, maintaining terminal CT4 at Mundra terminal wants to turn over its 50% stakes in the CMA CGM group. CMA CGM group पे transfer करना चाहता है. पहले याद रखना CMA है सिर्फ French है. वो बोल रहा है कि उसका जो स्टेक है वो सीएमए सीजीएम ग्रुप में ट्रांसफर करना चाह रहा है. अब सीएमए सीजीएम में दिक्कत यह है कि सीएमजी ग्रुप में, सीएमजी जो है वो चाइनीज मर्चेंट ग्रुप है. अब इसलिए ये डील हो सकता है कि इसको रोक दिया जाए बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. अब APSEZ जो है अपना अदानी पोर्ट, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर. इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर एंड इट एंटर्ड इनटू इंडो फ्रेंच जॉइंट वेंचर विद सीएमए टर्मिनल्स फॉर द मुंद्रा पोर्ट इन 2014 में ये मुंद्रा पोर्ट के साथ जॉइंट वेंचर में आया. ठीक है ना, एंड द कंटेनर टर्मिनल एट मुंद्रा वॉज कमीशन इन 2017. जो कंटेनर टर्मिनल है वो 2017 में आया. ठीक है ना, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं. चाइना इज यूजिंग नॉन मिलिट्री टैक्टिक्स टू एक्सपैंड इन्फ्लुएंस. तो एक रिपोर्ट आई है, एनुअल यूएस की रिपोर्ट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट है, डीओडी कहते हैं, यूएस डीओडी रिपोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो कई नॉन मिलिट्री बेसिकली टेक्निक्स का यूज़ करता है. और इसके उन्होंने डिस्क्राइब किया है रिपोर्ट में नॉन वॉर मिलिट्री एक्टिविटीज़, NWMA, नॉन वॉर मिलिट्री एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है चाइना बेसिकली. एंड इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ मेथडोलॉजीज जिसका यूज़ वो करता है फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स. ठीक है ना, तो चाइना कैलिब्रेट्स इट्स कोअर्शन एक्टिविटीज टू फॉल बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ प्रोवोकिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. मतलब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से जस्ट थोड़ा सा कम करता है, लेकिन करता ही इस लेवल तक कर देता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बस उसके बाद शुरू होने वाला रहता है. ये डीओडी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट का कहना है. दिस इज व्हाट द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इज सेइंग इन इट्स रिपोर्ट. तो ये याद रखिएगा, उसने कहा उसमें कोई नवलानी पॉइजन्ड बाय नर्व एजेंट नोविचॉक. तो यहाँ पे एक नर्व एजेंट का नाम है नोविचॉक, इसको याद रखना. एंड रशियन अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवलानी, इट उनका टेस्ट किया गया उनके ऊपर एंड देन ही वाज पॉइजन्ड बाय नोविचॉक केमिकल नर्व एजेंट. द जर्मन गवर्नमेंट इज सेइंग दिस दैट, है ना, इसको याद रखेगा. एंड एलेक्सी नवलानी एंड नर्व एजेंट याद रखेगा नोविचॉक, इसका नाम है नोविचॉक, नर्व एजेंट है. कैपिंग मीस बेनिफिट विल सीरियसली अफेक्ट ट्रेडर्स. तो याद रखिएगा, इसमें मैंने एक और न्यूज़ आज देखी थी, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ. बहुत अच्छी न्यूज़ थी, सारा मैंने लिखा हुआ है.
दिस इज द न्यूज। तो गवर्नमेंट ने पहली चीज़ आपको बता दें कि मीस स्कीम जो है, यानी कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम थी, इसमें 2 करोड़ तक के ही फॉर एवरी एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्टर इंसेंटिव्स हैं दे हैव बीन कैप्ड एट 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए पे कैप कर दिया है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपको बता दूँ कि ये स्कीम जो है वो 2021 से बंद हो जाएगी। इसकी जगह गवर्नमेंट ने बोला एक नई स्कीम आएगी, देयर विल बी न्यू स्कीम जिसका नाम है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, RODTEP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। ये रिप्लेस करेगी मीस को फ्रॉम 1 जनवरी 2021, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि WTO कंप्लायंट स्कीम है जो ये RODTEP है, लेकिन मीस के अगेंस्ट केस गया था USA का, जिसके बाद USA केस जीत गया, इंडिया हार गया और इसको ये स्कीम बंद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आंसर्स आपको क्वेश्चन के बताता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे तीनों के आंसर बी हैं अगर आप देख पाएं तो। पहला, क्योंकि केरला में है ही नहीं, तेलुगु है तो केरला में कैसे होगा, तो बी आंसर सही होगा। इसमें भी सेकंड गलत है, कावकाज इंडिया रशिया का था जिसको कैंसिल कर दिया, तो सेकंड गलत हो गया। तीसरा सही है, पहला सही है, बी हो गया। एंड ये जो SCRI है ये US का इनिशिएटिव नहीं है, ये जापान का इनिशिएटिव है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, इसलिए बी हो गया। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड नाइस डे।